क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलेरेशन करें, क्या एक्सेलेरेशन और फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है बिटवीन ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक पे एक्सेलेरेशन और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यू इंटू एन। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 4 kg ही लगाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू क्या है 0.4 इंटू में 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 न्यूटन का क्या आएगा नॉर्मल एफ एक्स मैक्स, क्या आ जाएगा 16 न्यूटन, ओके। इस पूरे को एक सिस्टम मान के ही हम चलेंगे, क्या पूरे को एक सिस्टम मान के चलेंगे तभी ये दोनों ब्लॉक क्या होंगे आगे चलेंगे, तभी ये दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे आगे चलेंगे। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में ये आगे पीछे चलेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे। इस केस में क्या होगा, इनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पे 18 न्यूटन का फोर्स पहले से लग रहा है। तो और हमें एफ एक्स मैक्स कितना लगा सकते हैं, ओनली 16 न्यूटन। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला फास्ट होगा और नीचे वाला क्या होगा स्लो होगा। पर इस पूरे को एक सिस्टम मान के अगर एक्सेलेरेशन निकाले तो कितना आ जाएगा 80/10, यानी कि 8 m/s² का क्या आएगा एक्सेलेरेशन आएगा अगर पूरे को एक सिस्टम मान के चले तो। अब हमें इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे तरफ लगेगा, इसको आगे की तरफ चलाने के लिए। तो 6 × 8 तो 72 न्यूटन का क्या लगना चाहिए, 48। फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत कितने की है, फ्रिक्शन फोर्स जरूरत है इसको 48 न्यूटन की, पर इस पे लगेगा कितना 16 न्यूटन ही, क्योंकि एफ एक्स मैक्स कितना है 16 न्यूटन ही। अब हमें जरूरत के अनुसार हम इसमें फ्रिक्शन फोर्स जितने की जरूरत होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हैं, ये नहीं कि जितना एफ एक्स मैक्स है उतना हम फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगाएं, क्योंकि हमें दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाना है। अगर दोनों के बीच स्मूथ सरफेस होता, दोनों के बीच अगर स्मूथ सरफेस होता तो इसमें जो एक्सेलेरेशन आता वो कितना जाता हमारे पास 40/10, स्मूथ सरफेस होता तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाता है इसमें 80/4, यानी कि 20 m/s का क्या आ जाता है इसमें एक्सेलेरेशन आता। पर अब दोनों के बीच क्या है, स्मूथ सरफेस नहीं है तो इन दोनों को साथ, पर इस केस में क्या होगा, ये आगे पीछे ही चलेंगे चाहे जितनी भी कोशिश हम कर ले। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स 16 न्यूटन का पीछे की तरफ लग जाएगा, इसमें 16 न्यूटन का आगे की तरफ। तो 4 केजी पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, 80 आगे लग रहा है पीछे, तो 64/4 आ जाएगा। तो 16 m/s² का एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 केजी पे कितना आ जाएगा 16 m/s² का। और 6 केजी पे अगर निकाले तो 16/6, यानी कि 8/3 m/s² का एक्सेलेरेशन किस पे आ जाएगा हमारे पास 6 केजी का। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 16 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 न्यूटन। ये हमारे पास क्वेश्चन था। पर इस केस में क्या होगा, ये इकट्ठे नहीं चल पाएंगे जितने भी कोशिश कर ले, ऊपर वाला फास्ट होगा और पीछे नीचे वाला क्या होगा स्लो होगा, ठीक है। हमें इसको पूरे को एक सिस्टम मान के ही इसको सोल्व कर सकते हैं, ये वाला केस और ग्राउंड पे जो ब्लॉक होता है वो अलग होता है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है। और वो क्या होता है, ग्राउंड पे रखा होता है, ग्राउंड पे क्या होता है फ्रिक्शन होता है, और ग्राउंड स्मूथ सरफेस नहीं होता उसके ऊपर ब्लॉक रखा होता है, तो ये अलग है और ग्राउंड का केस क्या होता है अलग होता है। इसको हम एक सिस्टम मान के इसको क्या कर सकते हैं सोल्व। दिस इज द क्वेश्चन।